ऋषि सुनक ने जीता भारत के लोगों का दिल, बिना चप्पल एक छतरी साधारण तरीके से किया अक्षरधाम मंदिर में दर्शन। अक्षता मूर्ति को पसंद आया भारत की ये खास डिश। भारत में आयोजित G20 समिट 10 सितंबर को खत्म हो गया, लेकिन अब भी मीडिया की चर्चा में बना हुआ है। वजह है G20 में देसी अंदाज में परोसे गए भारतीय व्यंजन। इसकी चर्चा इन दिनों लगातार हो रही है। कई बड़े विदेशी नेताओं और उनकी पत्नियों ने इनकी तारीफ की है, जैसे कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ने भी कुछ डिशेज को खूब पसंद किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे बनाने वाले भारतीय शेफ के साथ भी अपनी तस्वीर को शेयर किया है। तो आइए जानते हैं G20 के दौरान कौन कौन से व्यंजन खास रहे और अक्षता मूर्ति को कौन सा व्यंजन पसंद आया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला भारत का दौरा था, जिसमें वो अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ G20 सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय कल्चर को लेकर खूब बातें की और साथ ही खुद के हिंदू होने पर गर्व की बात कही। यही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर में दर्शन भी किया और भारत के देसी खानों की जमकर तारीफ भी की है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ने एवोकाडो और बाजरा के सलाद को सबसे ज्यादा पसंद किया और इसे हेल्दी और टेस्टी बताया है। बता दें कि ये वेजिटेबल सलाद अत्यधिक स्वास्थ्य साबुत अनाज का उपयोग करके शानदार तरीके से बनाया जाता है। ये टमाटर, एवोकाडो, बाजरा और बाल्समिक सिरका का एक क्लासिक कॉम्बो होता है। अक्षता मूर्ति को ज्वार और कटहल हलीम भी काफी पसंद आया है। ये ज्वार कटहल हलीम के बीजों और तमाम मसालों और मेवा का प्रयोग करके तैयार किया जाता है। ये हाई फाइबर, प्रोटीन और कई न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है और इसका स्वाद तो ऐसा होता है कि आप इसे खाने के बाद बार बार याद करेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है अक्षता मूर्ति के साथ। इसके अलावा ऋषि सुनक का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया है। सुनक और अक्षता मूर्ति की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों बारिश में एक छतरी के नीचे हैं। इस फोटो में ऋषि सुनक नंगे पैर मंदिर की परिसर में चलते हुए दिख रहे हैं। इस फोटो के वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर सुनक की तारीफ कर रहे हैं। तो ये थी ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।